हाय, मैं हूँ अमृता। हम मूवी की शुरुआत में साइड को देखते हैं, जो लूकस क्लिनिक में काम किया करता था। एक दिन हम लूकस को क्लिनिक पर आते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमें क्लिनिक के बारे में कुछ चीजें पता चलती हैं। ये क्लिनिक सेलिब्रिटीज के बीमार होने के बाद उनके शरीर से वायरस और पैथोजेंस को निकाल लेता है। उसके बाद वो डॉक्टर उन वायरसेस को कम खतरनाक बनाते हैं और कुछ ऐसे लोगों के शरीर में डालते हैं जो अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज की बीमारियों को अपने शरीर में लेना चाहते हैं। उन सेलिब्रिटीज प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि उनकी बीमारी भी अपने शरीर में फील करना चाहते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं और यही काम लूकस क्लिनिक करता था, जिसके लिए उन्हें काफी पैसे भी मिलते थे। वही हम एडवर्ड नाम के एक क्लाइंट को देखते हैं, जिसे साइड हर्पिस कॉम्प्लेक्स नाम का वायरस का इंजेक्शन ऑफर करता है और ये वायरस लूकस क्लिनिक ने हैना गेस नाम की सेलिब्रिटी के शरीर से खरीदा होता है। इसी दरमियान हम क्लिनिक में देखते हैं, घर जाने से पहले सभी एम्प्लॉयज को चेक किया जाता है कि कहीं वो अपने साथ लैब से कोई वायरस बाहर तो नहीं लेके जा रहे हैं। वही साइड अपने घर वापस आता है, तभी हमें पता चलता है कि उसने किसी सेलिब्रिटी के वायरस को लैब से चुरा लिया था, जिसे वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। पर इसके कारण उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। लेकिन साइड ने रेडी फेस कंसोल नाम की एक मशीन भी चुराई होती है, जो साइड के खून को प्यूरिफाई कर उस वायरस को अलग कर देती है, जिसे साइड बाद में ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए रख देता है। वही हमें उस मशीन से रिलेटेड कुछ और बातें पता चलती हैं कि कैसे मशीन इन्फेक्टेड खून में से वायरस को पहचान कर किसी ह्यूमन फेस की तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करती है और फिर वायरस को एनालाइज कर किस तरह से मॉडिफाई कर देती है, जिसके जरिए वायरस को किसी दूसरे इंसान के शरीर में जाने से रोका जा सकता है। और इसी तरह कुछ दिनों के बाद वायरस भी अपने आप उस इन्फेक्टेड शख्स के शरीर से खत्म हो जाता है। यानी कि ये एक ब्लैक मार्केट होता है, जहाँ पे कुछ इंसानों को सेलिब्रिटीज के उन वायरस या बीमारियों को फील करना रहता है और इसी कारण से सेलिब्रिटीज अपनी बीमारियां इस लैब में बेचा करते थे और ये लोग काफी पैसे कमा कर उन लोगों को ये वायरस बेच देते थे, ताकि वो उन सेलिब्रिटीज की तरह फील कर सके। अब यहाँ पे अगले दिन साइड अपने काम पर आता है, जहाँ पे हम माइकल नाम के वर्कर को देखते हैं। तभी साइड माइकल के पास कोई आर्या नोबल फ्लू वायरस लेने आता है। इसी बीच उसकी मुलाकात डेरिक नाम के दूसरे एम्प्लॉय से होती है, जिसका काम है ना गेस्ट इस सेलिब्रिटी के पास जाके उसके वायरसेस को कलेक्ट करना होता है। इधर साइड के पास एक और क्लाइंट आती है, जिसे साइड आर्या नोबल वायरस फ्लू ऑफर करता है, मगर अपने क्लाइंट को लगाने के बाद साइड खुद को भी वो वायरस से इन्फेक्ट कर देता है, ताकि बिना किसी को पता चले वो वायरस इस क्लिनिक के बाहर लेके जा सके। अब घर आने के बाद साइड वायरस को मशीन के अपने शरीर से बाहर निकालता है और एरविन नाम के उसके दोस्त को जाके देता है, जो एस्ट्रल बॉडीज नाम की जगह पे काम करता था। अब यहाँ पे साइड जब अपने काम पे आता है, जहाँ वो देखता है डेरेक को फेस कंसोल मशीन इलीगली अपने पास रखने के लिए पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब डेरिक के जाने के बाद कंपनी के फाउंडर मिस्टर लूकस साइड को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि डेरिक के बदले अभी तुम सेलिब्रिटी हैना गेस्ट के पास जाके उसके ब्लड सैंपल लेके आना। अब साइड हैना के घर पहुंचता है, जो कुछ दिन पहले ही अपने चाइना ट्रिप से वापस आई होती है और वायरस के कारण बीमार हो गई थी, जहाँ पे साइड उसके शरीर से ब्लड निकालता है और एक कैप्सूल में रख लेता है। पर इसके बाद हैना का ब्लड अपने अंदर भी इंजेक्ट कर लेता है और इसके कारण हैना की बीमारी साइड को भी लग जाती है और वो भी बीमार पड़ता है। अब साइड अगले दिन घर पे रखी मशीन से ब्लड को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है कि तभी वो बेहोश पड़ जाता है। वही बेहोशी हालत में साइड को एक सपना आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके हाथों में बड़ी अजीब सी ट्यूब घुसी हुई है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। मगर साइड उठने के बाद देखता है मशीन उसके ब्लड को एनालाइज नहीं कर पाती और अब वो मशीन खराब हो चुकी है। लेकिन तभी उसे न्यूज में पता चलता है कि हैना के उस वायरस के कारण मौत हो चुकी है। अब इसके बाद वो सीधा एरविड के पास चला जाता है और उसे पूरी बात बताता है। साथ ही साइड एरविड से उसकी मशीन के लिए स्पेयर पार्ट्स भी अरेंज करवाने के लिए कहता है, ताकि वो अपने ब्लड को जल्द से जल्द प्यूरिफाई करें। जिस पर आर्विड उसे लेविन नाम के एक आदमी के बारे में बताता है, जो कि प्राइवेसी ग्रुप का लीडर होता है। आर्विड साइट को लेके लेविन के ऑफिस में जाता है, जहाँ पे साइट को टीवी स्क्रीन पर हैना हेल्प मांगते हुए दिखाई देती है, जो किसी बॉक्स जैसी चीज के अंदर बंद होती है। लेकिन आर्विड साइट से कहता है कि ये बस एक फिल्म है, जो कि हैना के फैंस के लिए बनाई गई थी। आगे वो लेविन से मिलता है। लेविन साइट को अपने
मशीन दिखाता है जो उसका ब्लड प्यूरिफाई कर सकती है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि वो उसकी मदद तभी करेगा जब साइड उसे उसका ब्लड सैंपल देगा। अब साइड को पता था कि ये डेडली वायरस है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने की कोशिश करता है, मगर एडविड और लेविन जबरदस्ती उसके शरीर से उसका ब्लड सैंपल को निकालने की कोशिश करते हैं और उसे बेहोश करके बाहर रोड पर छोड़ देते हैं। यहाँ पे साइड को होश आता है और किसी कॉफी शॉप में आता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात पोर्टलैंड और वेस्ट नाम के दो लोगों से होती है, जो साइड को जबरदस्ती अपने साथ हैना के घर लेके जाते हैं, जहाँ पे साइड से हैना के फैमिली डॉक्टर आके मिलते हैं, जहाँ पे डॉक्टर साइड को बताते हैं किसी ने लूकस क्लिनिक से हैना के पुराने वायरस के सैंपल को लेके उसे इस तरह मॉडिफाई कर दिया है कि कोई भी मशीन उस वायरस को एनालाइज नहीं कर पाएगी, और हैना को जो अननोन बीमारी आज हुई है वो उसी वायरस के कारण हुई है जो पुराने वायरस को मॉडिफाई करके बनाया गया था, और इसी कारण साइट की मशीन भी उस वायरस को एनालाइज नहीं कर पाई। और यहाँ पे पता चलता है कि हैना के मौत का सिर्फ एक नाटक किया गया था, और उसकी फैमिली को ये नाटक इसी कारण करना पड़ा कि जिसने भी हैना को वायरस दिया है वो उसे फिर से किसी वायरस को इन्फेक्ट ना कर सके। वही हैना की माँ साइट को हेल्प ऑफर करती है, पर इसके लिए उसे जिस किसी ने भी हैना के वायरस को लूकस क्लिनिक से लेकर मॉडिफाई किया है वो उसे पता लगाना होगा। अब साइट मान जाता है और अगले दिन वापस ऑफिस आता है और मिखेल से हैना के सैंपल के पिछले 2 महीनों के सेल्स रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहता है, जिससे उसे पता चलता है कि आखिरी बार डेरेक ने इसे खरीदा था, जो कि बर्मुडा फ्लू वायरस होता है। पर क्योंकि डेरेक अभी भी जेल में होता है, साइड अरविंद के पास आता है क्योंकि डेरेक भी उसी की तरह वायरस लेके अरविंद को दिया करता था, लेकिन अरविंद उसे कुछ भी बताता नहीं और उसे जाने के लिए कहता है, जिसके बाद साइड डेरेक के घर जाता है और काफी ढूंढने के बाद उसे वायरस की कैप्सूल मिल जाती है, जिसे वो अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। साइड वापस अपने घर आता है, लेकिन तभी टेबल पर उसे पोर्टलैंड के रखे हुए कुछ पैकेट मिलते हैं जिसमें मशीन को ठीक करने के लिए स्पेयर पार्ट्स रखे होते हैं। वो अपनी मशीन को दोबारा से ठीक करता है और फिर वायरस को मशीन के थ्रू एनालाइज करता है, और सारी मिली जानकारी वो हैना के डॉक्टर के पास लेके जाता है। अब डॉक्टर साइड को किसी वोल और टीजर नाम की कंपनी ने इस वायरस का पेटेंट लिया है ये बताते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं होते। अब दूसरी तरफ साइड अपने घर आता है, लेकिन उसे अपना सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है, और इसी बीच लेविन नाम का आदमी साइड को अपने साथ पकड़ कर लेके जाता है। साइड अपने आप को किसी रूम में लॉक पाता है, जहाँ रूम के बाहर से माइक के थ्रू कोई उससे बात कर रहा होता है, जो साइड को बताता है कि हैना के मौत के बाद उसके फैंस काफी दुखी है और ये जानना चाहते है कि उसकी मौत किस कारण से हुई है, क्योंकि साइड ही आखिरी बार हैना के कॉन्टेक्ट में आया था। लिवाइन ये सारी रिकॉर्डिंग करके दुनिया को दिखाना चाहता था कि हैना की मौत आखिरकार कैसे हुई थी। इससे लिवाइन को काफी फायदा होने वाला था और वो साइड का मजाक उड़ाने लगता है। इसी दौरान साइड की हालत काफी खराब होने लगती है और वो लिवाइन को उसके ऊपर हंसता हुआ देख अपने खून के सैंपल वो सीधा उसके मुंह में डाल देता है, जिसके कारण लिवाइन को भी वो बीमारी लग जाती है। और इसके बाद साइड उस रूम से बाहर निकालता है और एक नर्स को अपने साथ हॉस्टेज बना लेता है, और काफी मुश्किलों के बाद वो उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी दरमियान मीरा नाम की एक लड़की साइड से कांटेक्ट करती है, जो कि एक कंपनी की ओनर होती है, और वो रिवील करती है कि उसके कंपनी ने ही हैना को वो बीमारी दी थी, लेकिन मीरा उसके पीछे का कारण नहीं बताती। अब ये सुनते ही साइड मीरा के साथ अपना एक आइडिया शेयर करता है, जहाँ पे वो सबसे पहले मीरा को बताता है कि हैना मरी नहीं है, वो जिंदा है, और पहले हैना का लूकस क्लिनिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके कारण सारी बीमारियों के वायरस वो लूकस क्लिनिक को ही देगी, लेकिन सिंस ये एक मॉडिफाइड एक नया वायरस एक नई बीमारी थी जो मीरा के कंपनी ने हैना को दी थी, तो उसे ठीक करने का पैटर्न भी अब मीरा के कंपनी के पास ही होगा, और हैना के शरीर से वो वायरस को निकालने के राइट्स उन्हीं के पास है, जिसके लिए साइड उनकी मदद करेगा। बट इसके बदले में मीरा से उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए वो कहता है, और मीरा भी मान जाती है। अब साइड मीरा की सच्चाई छुपाते हुए उसे हैना के घर लेके आता है, जहाँ पे हैना की हालत काफी खराब हो गई थी और उसके ऑपरेशन के कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वो वायरस सक्सेसफुली निकाल पाती है। अब कुछ समय के बाद हम मीरा को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो साइड को पूरी तरीके से ठीक कर देती है उसके शरीर से वायरस निकाल कर, और अब वो मीरा के कंपनी के लिए ही काम किया करता था। वही मीरा अपने क्लाइंट्स को उनके बनाए गए नए वायरस के सैंपल दिखाती है, जिसे साइड एक आर्टिफिशियल टेस्ट पर लगा के टेस्ट करता है, और ये आर्टिफिशियल हाथ उसी सेल गार्डन मशीन से
कनेक्टेड होती है, जिसे साइड ने एस्ट्रल बॉडीज कंपनी से लिया होता है, जहाँ पे एरविन काम किया करता था। उसके अंदर हम हैना की लाश रखी देखते हैं, जो कि उनके कंपनी ने हैना की फैमिली से ली होती है कोलैबोरेशन के लिए, जिससे कि हैना की लाश ने एक नए सेल को ग्रो किया था, उस वायरस के सेल को। और सभी क्लाइंट्स जाने के बाद साइड हैना के उस आर्टिफिशियल हाथ पर एक कट लगाता है और साइड वापस उसका ब्लड लेता है, यानी कि वापस वो ब्लैक मार्केट में इस वायरस को बेचना चाहता है। और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। ये मूवी दरअसल एक डायस्टोपियन फैंटेसी वर्ल्ड पे आधारित है, जहाँ पे काफी सारे लोग सेलिब्रिटीज के लाइफ से ऑब्सेस्ड हैं। उन्हें कोई भी बीमारी होती है, वो बीमारी उन्हें भी चाहिए होती है ताकि वो उन सेलिब्रिटीज को फील कर सके। जब काफी फेमस सेलिब्रिटी हैना मारी जाती है, तब उसके वायरस के अराउंड काफी ज्यादा मिस्ट्री बाहर आती है कि कौन सा वायरस था, क्या हुआ उसे। और बिना कुछ सोचे समझे साइट भी उस वायरस को अपने शरीर में इन्फेक्ट कर लेता है, और मूवी के थ्रू आउट वो इस वायरस की सारी मिस्ट्री निकालता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।